हे व्हाट्सअप गाइस, आज की स्टूडियो में दो फोन एक साथ बनाए गए जिसमें आईफोन 12 और 12 मिनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है। छोटे साइज के कार्डबोर्ड को मैं आईफोन 12 मिनी के लिए यूज करूंगा और बड़े साइज के कार्डबोर्ड को आईफोन 12 के लिए। दोनों कार्डबोर्ड की साइज साइड में दी गई है। इनकी तरह और दो कार्डबोर्ड ले लिया है मैंने। फोन की थिकनेस बढ़ाने के लिए मैं हार्ड कार्डबोर्ड का यूज कर रहा हूँ। तीनों कार्डबोर्ड की लेयर को मैं ग्लू से चिपका दूंगा। ग्लू से चिपकाने के बाद हमारे दोनों फोन की बॉडी तैयार है। अब बनाएंगे बैक साइड। आईफोन 12 के लिए मैं ब्लू पेपर का यूज कर रहा हूँ और 12 मिनी के लिए रेड पेपर का। दोनों के लिए मैं कलरिंग पेपर का यूज कर रहा हूँ। बैक साइड में शाइनी लुक देने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट टेप का यूज कर रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक बनता है, और चैनल पे नए आए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन पे दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ट्रांसपेरेंट टेप चिपकाने के बाद बैक साइड हमारा शाइनी लुक और ग्लासी लुक देगा। दोनों फोन की बैक साइड में मैंने ट्रांसपेरेंट टेप चिपका दिए। अब बनाएंगे कैमरा। कैमरा बनाने के लिए मैं ब्लू पेपर का यूज कर रहा हूँ। पेपर पे कैमरा पोर्शन ड्रॉ करने के लिए मैं पेंसिल का यूज करूंगा। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद कैमरा पोर्शन को भी शाइनी लुक देने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट टेप का यूज करूंगा। अगर आपको आईफोन 12 ब्लैक एडिशन में चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि आईफोन 12 ब्लैक एडिशन वाली वीडियो आपके लिए जल्द लेके आऊं। टेप चिपकाने के बाद कुछ इस तरह हमारा कैमरा पोर्शन शाइनी लुक देगा। वैसे मैंने आईफोन 12 मिनी के लिए भी कैमरा पोर्शन बना लिया है। कैमरा पोर्शन की थिकनेस बढ़ाने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पेपर का यूज कर रहा हूँ, जिसे मैं कैमरा पोर्शन के नीचे चिपका दूंगा। दोनों कैमरा पोर्शन के नीचे मैंने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पेपर चिपका दिया है। दोनों कैमरा पोर्शन के साइड में एक्स्ट्रा निकला हुआ प्लास्टिक पेपर को मैं काट लूंगा। काटने के बाद कैमरा पोर्शन के नीचे ट्रांसपेरेंट पेपर की एक बॉर्डर बन जाएगी। वैसे ही मैंने आईफोन 12 मिनी के कैमरा पोर्शन के लिए भी सेम काट लिया है। अब बनाएंगे कैमरा। कैमरा बनाने के लिए मैं ब्लैक पेपर का यूज कर रहा हूँ। ब्लैक पेपर के टुकड़े पे मैं पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, जिसे मैं काट लूंगा। काटने के बाद सर्कल को मैं ब्लू पेपर पे चिपका दूंगा। चिपकाने के बाद सर्कल के साइड में एक्स्ट्रा वाला ब्लू पेपर को मैं काट लूंगा। काटने के बाद ब्लैक सर्कल के नीचे ब्लू पेपर की एक बॉर्डर बन जाएगी, कुछ इस तरह। वैसे मैंने आईफोन 12 मिनी के लिए भी सर्कल के नीचे रेड बॉर्डर बनाई है। ब्लू पेपर से मैंने कैमरा लेंस बनाई है। ब्लू सर्कल को मैं ब्लैक सर्कल के अंदर ग्लू से चिपका दूंगा। वैसे ही मैंने सभी कैमरास के अंदर ब्लू सर्कल चिपका दिया है। कैमरा को मैं कैमरा पोर्शन पे चिपका दूंगा। वैसे ही मैंने दोनों फोन्स की कैमरा पोर्शन पे कैमरा चिपका दिए है। कैमरा लेंस को डार्क ब्लू बनाने के लिए मैं ब्लू पेन का यूज कर रहा हूँ। ब्लू पेन का यूज करने के बाद कैमरा लेंस ओरिजिनल कैमरा लेंस जैसी दिखाई देगी। वैसे ही मैंने चारों लेंस को डार्क ब्लू बना दिया है।
स्लाइड बनाने के लिए मैंने गोल्डन पेपर से एक सर्कल बनाया है जिसे मैं कैमरा पोर्शन पे चिपका दूंगा। फ्लैश लाइट के ऊपर ब्लैक पेन से मैं माइक बनाऊंगा। माइक बनाने के बाद हमारा कैमरा तैयार है। वैसे ही मैंने iPhone 12 mini का भी कैमरा बना लिया है। फोन की बैक साइड में कैमरा को मैं ग्लू से चिपका दूंगा। इस तरह मैंने iPhone 12 का कैमरा चिपका दिया है। वैसे ही मैंने iPhone 12 mini का भी कैमरा चिपका दिया है। अब बनाएंगे लोगो। लोगो बनाने के लिए मैं सिल्वर पेपर का यूज कर रहा हूँ। सिल्वर पेपर पे लोगो ड्रॉ करने के लिए मैं ब्लैक पेन का यूज करूंगा। आपको लोगो ड्रॉ करना नहीं आता हो तो आप फोन में भी देख के लोगो ड्रॉ कर सकते हो। लोगो ड्रॉ करने के बाद उसे मैं काट लूंगा। काटने के बाद लोगो को मैं फोन की बैक साइड में सेंटर में चिपका दूंगा। लोगो चिपकाने के बाद iPhone 12 की बैक साइड तैयार है। वैसे मैंने iPhone 12 mini की भी बैक साइड बना ली है। फ्रंट साइड बनाने के लिए मैंने ब्लैक पेपर का यूज किया है। iPhone 12 और 12 mini का साइज के हिसाब से मैंने फ्रंट साइड काट लिया है। अब बनाएंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले बनाने के लिए मैंने व्हाइट पेपर का यूज किया है। वॉलपेपर ड्रॉ करने के लिए मैं पेंसिल और स्केल का यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी वॉलपेपर ड्रॉ कर सकते हो। वॉलपेपर ड्रॉ करने के बाद उस पर मैं पेंट करूंगा। पेंट करने के बाद हमारा वॉलपेपर तैयार है। वैसे मैंने आईफोन 12 मिनी के लिए भी वॉलपेपर बना लिया है। दोनों वॉलपेपर्स को मैं डिस्प्ले के साइज के हिसाब से काट लूंगा। काटने के बाद वॉलपेपर को मैं फोन की फ्रंट साइड में चिपका दूंगा। वॉलपेपर चिपकाने के बाद फ्रंट साइड हमारा कुछ इस तरह दिखाई देगा। वैसे मैंने iPhone 12 mini का भी वॉलपेपर चिपका दिया है। ब्लैक पेपर और ब्लू पेपर से मैंने फ्रंट कैमरा और स्पीकर बनाया है जिसे मैंने फ़ोन की फ्रंट साइड में चिपका दिया है। फ्रंट कैमरा को भी मैंने ब्लू पेन से डार्क ब्लू बना दिया है। वैसे ही हमारी दोनों फ़ोन की फ्रंट साइड और बैक साइड तैयार है जिसे मैं ग्लू से कार्डबोर्ड पर चिपका दूंगा। इस तरह मैंने दोनों फोन की फ्रंट साइड और बैक साइड चिपका दी है। फोन की साइड बनाने के लिए मैंने ब्लू पेपर की चार पट्टियां काटी है जिसे मैं फोन की साइड में कुछ इस तरह लगाऊंगा। पहले मैं पट्टी पे ग्लू लगाऊंगा। ग्लू आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना है जिससे कि पट्टी निकलेगी नहीं। ग्लू लगाने के बाद पट्टी को मैं फ़ोन की साइड में चिपका दूंगा। चिपकाते टाइम आपको पट्टी को बराबर दबा के लगाना है। कुछ इस तरह मैंने फ़ोन की चारों साइड में पट्टियाँ लगा दी है। वैसे ही मैंने iPhone 12 mini के लिए भी रेड पेपर से बनाई हुई पट्टियाँ लगा दी है। एंटीना बैंड बनाने के लिए मैंने
ब्लू पेन का यूज़ किया है और आईफोन 12 मिनी के लिए मैंने रेड पेन का यूज़ किया है। चाहे तो आप ब्लू और रेड मार्कर का भी यूज़ कर सकते हो। फ़ोन की साइड में बटन्स बनाने के लिए मैंने ब्लू पेपर का यूज़ किया है। ब्लू पेपर से मैंने पावर बटन और वॉल्यूम बटन बनाया है। वैसे ही मैंने चार्जिंग पोर्ट के लिए ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। ब्लैक पेन से मैंने माइक और स्पीकर बनाया है। वैसे आईफोन 12 मिनी के लिए मैंने रेड पेपर का यूज़ किया है। सभी पार्ट्स जोड़ने के बाद फाइनली